गाइस वेलकम बैक टू मोडिफाइड ब्लॉग्स। मैं हूं अमित। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैरल एग्जॉस्ट के इस हैंडल बार के बारे में, जो कि है अटैक हैंडल बार, और इसको मैं इंस्टॉल करने वाला हूं हिमालयन पे। तो ये हिमालयन आप देख सकते हो है अजनबी राइडर की, एंड उसका अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हो गया था। इसके वजह से ये देख सकते हो जो इसका हैंडल बार, इसकी अलाइनमेंट ख़राब हो चुकी है। तो अभी ये स्टॉक वाला हैंडल बार हटाएंगे हम, एंड ये बैरल एग्जॉस्ट का ये वाला हैंडल बार हम लगाने वाले हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन एंड इसका किस तरह से पूरा परफॉर्मेंस है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स एंड देखते हैं किस तरह का ये हैंडल बार है। मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये लाइट वेट है और हैंडल बार थोड़ा रेज्ड है, तो हिमालयन में काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो स्टॉक हैंडल बार है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे रहता है, तो सैडल करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट इससे सैडलिंग काफ़ी ईजिली हो जाएगी। तो चलिए इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड पैकिंग है, देख सकते हैं पूरी बबल रैपिंग की यहाँ पे एक कवर कर रखी है। तो इसको भी जल्दी से खोल लेते हैं। सो गाइस, ये हैंडल बार देख सकते हो कितना यूनिक दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। ये यहाँ पे बैरल एग्जॉस्ट की ब्रांडिंग देख सकते हो आप, एंड ये पाउडर कोटेड है, और यहाँ पे वेल्ड्स वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से TIG वेल्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्टॉक हैंडल बार है, पहले इसको सारा खोल लेंगे हम, इसके बाद इंस्टॉल करेंगे हम अपना ये वाला हैंडल बार। तो चलिए करते हैं, एंड इसके बाद देखते हैं किस तरह से इसका लुक आता है। सो गाइस, इसी के साथ हमने अपना हैंडल बार यहाँ पे निकाल लिया है। क्लच असेंबली होती है, इसको सिंपली आप इस तरह से स्लाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से ये स्लाइड करके ये हैंडल अलग हो चुका है, देख सकते हो आप पूरी तरह से। एंड अभी शायद आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा किस तरह से ये हैंडल डिफॉर्म हो गया है। एक्सीडेंट की वजह से बाइक एक साइड पर स्लाइड हुई थी, एंड जिसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा एक तरह से बेंड है, और इस साइड हालाँकि सही है, तो चेंज करना ही था। अब इसको ये तो स्टॉक में रिप्लेस करते हैं या कोई एक आफ्टर मार्केट। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अटैक हैंडल बार, स्टॉक से काफ़ी डिफरेंट है लुक में भी, एंड ओवरऑल इसका जो फील है हैंडल बार चलाने का वो बहुत ही चेंज हो जाएगा इससे। जो अर्गोनॉमिक्स है वो काफ़ी डिफरेंट है स्टॉक वाले से। तो बेसिकली ये जो बैरल एग्जॉस्ट का अटैक हैंडल बार है, ये ट्रेल बाइक्स में ज़्यादा यूज़ होता है, एंड अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इसमें हिमालयन पे। हालाँकि ये यूनिवर्सल है, किसी भी बाइक में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको ये इस तरह से फिटमेंट मिलते हैं। क्लिप ऑन हैंडल बार की तरह नहीं, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड हैंडल बार होते हैं वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। अब इसको हम लगाएंगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का इसका लुक आएगा। तो कुछ इस तरह से ये लुक देगा पूरी हिमालयन को, एंड अभी एक थोड़ा बल्की लुक आ जाएगा इससे, एंड एक मैस्कुलिन अपराइट पोजिशन हो जाएगी। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका हैंडल बार रहेगा। तो चलो फिट करते हैं इसको जल्दी से, एंड मैं आपको बताऊँगा फिर इसके राइड करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सो गाइस, आप इस हैंडल बार को हमने लगा लिया है, एंगल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो वो मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो मेरे ख्याल से ये एंगल सबसे परफेक्ट है, तो बस इसी पे इसको टाइट कर लूँगा मैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल बार ये लग चुका है, और जो इसकी फिटमेंट थी थोड़ा सा यहाँ पे इशू हुआ, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट हुई है करना। एक तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ABS वाला केबल है वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा है, इसके लिए ये यहाँ पे अभी थोड़ा ये गैप है, जो कि लाइक लोकल मार्केट में जाके ये चीज़ खुलवा के करना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा इशू है। इस साइड देखे तो यहाँ पे प्रॉपरली सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, जो इसकी स्टॉक केबल थी मतलब हिमालयन वाली केबल थी क्लच की, वो हमने इसको रिप्लेस कर दिया थंडरबर्ड की केबल से। तो अगर आपको भी ऐसा इशू हो रहता है आपकी बाइक में,
तो आप इस तरह से कर सकते हो। लॉन्ग केबल जो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है वो आप क्लच केबल का लगा सकते हो। एंड इसकी जो विड्थ है 31.5 इंचेस का ये पूरा यहाँ पे कह सकते हैं पूरी लेंथ है इसकी, एंड 5 इंचेस से ज़्यादा ये ऊपर उठा हुआ है। तो एक अलग ही इसका बिल्कुल देख सकते हो लुक आता है, और हिमालयन अब काफ़ी अच्छी लग रही है। सैडलिंग काफ़ी ईजी हो जाएगा, ऑल्सो अब यू नो लॉन्ग राइड्स के लिए काफ़ी बेटर हो जाएगी ये बाइक क्रूजिंग के लिए। तो आकाश आ रहा है अब इस हैंडल बार की हैंडलिंग चेक करने, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे ऑफ रोडिंग करेगा। लेट्स सी कैसा इसको फील होता है। कैसी लग रही है आपको? बहुत मजा आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि मतलब इसी के लिए बनी है, सैडलिंग भी है ये बिल्कुल। तभी तो मेरे को भी वही फील हुआ, मैंने अभी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी की थी यहाँ पर, ज़्यादा नहीं करी, मज़ा आ गया यार, हैंडल बेस्ट है। सेटिंग में थोड़ा ऊपर लग रहा है ना हाथ, नहीं 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 मेरे को यही पोजीशन सही लगी, सही है, रिलैक्स्ड है बॉडी बिल्कुल। तो गाइस देख सकते हो ये हैंडल बार यहाँ पे हिमालयन पे किस तरह का लग रहा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। अभी मैं इसको चला के आया तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को यहाँ पे मिला इस हैंडल बार से, बैरल एग्जॉस्ट का अटैक हैंडल बार, तो अलग से ही एक यूनिक लुक देता है इस बाइक को। तो ये वाला जो हैंडल बार है आप हिमालयन पे इंटरसेप्टर एंड KTM वाली बाइक्स पे भी आप इसको लगा सकते हो, तो ये बेसिकली एक यूनिवर्सल हैंडल बार है, तो आप किसी भी बाइक पे लगा सकते हो, बट फॉर दिस बाइक हिमालयन पे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड जो इसकी लुक है वो बहुत ही अच्छी स्टाइली लुक दे रहा है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो इस हैंडल बार की जो प्राइस है दैट इज़ 2000 रुपीज़, 1999 प्राइस है इसका, जो स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का जो हैंडल बार आता है ये वाला है, हालांकि है मैट ब्लैक जो कि आई गेस माइल्ड स्टील में है, नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इसका प्राइस 200 रुपीज़ कम है उससे। एंड ये आपको बैरल एग्जॉस्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हो, उसकी लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डू चेक देम आउट। रही बात इसकी हैंडलिंग की, तो मैंने इसको अभी थोड़ी देर चलाया एंड जो हैंडलिंग मेरे को लगी है मेरे को काफ़ी सही लगा, मतलब ये अब परफेक्ट हिमालयन बाइक के लिए हैंडल बार है, मतलब नॉट जस्ट हिमालयन, KTM पे भी लगा सकते हो, इंटरसेप्टर पे भी लगा सकते हो, क्लासिक पे भी लगा सकते हो, बेसिकली एक यूनिवर्सल हैंडल बार है, जहाँ पे भी क्लिप हैंडल बार्स होते हैं उसको छोड़ के बाकी नॉर्मल ये वाले जो हैंडल बार्स होते हैं लॉन्ग हैंडल बार्स, तो वहाँ पे ही आप लगा सकते हो। तो काफ़ी सही सा हैंडल बार है, एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो या लाइक सैडलिंग करके राइड करते हो, ऑफ रोडिंग वगैरह कैपेबिलिटीज़ के लिए काफ़ी सही हैंडल बार है, एंड बहुत सही सा है, मतलब हाईवे के लिए भी सही है, क्रूजिंग के लिए भी सही है, क्योंकि अपराइट आपको पोजीशन मिल जाता है,
आर्म्स आपके रिलैक्स रहते हैं, तो कोई भी फटीग नहीं होगा आपको, आर्म्स में पेन नहीं होगा, बैक का जो प्रॉब्लम रहता है काफ़ी लोगों को लॉन्ग राइड्स पे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होंगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी सही सा हैंडल बार है। बाकी अभी आप इन्जॉय करो सिनेमैटिक्स, एंड इसके बाद मैं मिलाता हूँ आपको इसके ओनर से। तो गाइज़ हमारे साथ यहाँ पे हैं आकाश भाई, उनसे ही पूछ लेते हैं कैसा रहा है इस बाइक के साथ एक्सपीरियंस। मतलब बेसिकली हैंडल बार की बात करें, बाइक तो काफ़ी टाइम से इनके पास, तो बताओ आकाश कैसे लग रहा है आपको ये हैंडल बार, कितने दिन हो गए इसको चलाते हुए? मेरे को 2 दिन हो गए हैं अभी सिटी में, मैंने मिनिमम अभी 10 या 20 किलोमीटर राइड की होगी, जिसमें से ये मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा सिटी राइड्स में। बहुत ट्रैफिक में बहुत आराम से अपन टर्न कर सकते हैं इसको, जो पुराना हैंडल बार था उसको टर्न करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, तो ये बहुत कंफर्टेबली हो रहा है क्योंकि इसका जो राइडिंग पोजीशन है वो बहुत अच्छी है इसकी। अच्छा, बस मेरे को अभी इसमें तो कोई फॉल्ट लगा नहीं है अभी, और चलाने में बहुत अच्छा। सैडलिंग भी थोड़ी बहुत करके देखी थी मैंने, ऑफ रोडिंग में भी बहुत कंफर्टेबल रहा मेरे को, और सैडलिंग में बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है पहले से। अब मेरे को ज़्यादा वो लेने की ज़रूरत नहीं है प्रेशर हैंड पर, आराम से मेरे बैंड रहते पूरे हाथ, आराम से मैं कर सकता हूँ सैडलिंग। अच्छा, ये सब तो आपने इसकी अच्छी बातें बता दी, मतलब एडवांटेजेस बता दिए, कुछ डिसएडवांटेज आपको अभी तक फील हुआ है कुछ हैंडल बार में? डिसएडवांटेज बस सबसे बड़ा यही कहूँगा, बड़ा नहीं या छोटा पता नहीं, लेकिन इसको बैक करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। अच्छा, मतलब बाइक पीछे ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसको बैक ले जाने में, बहुत बड़ी बाइक हो गई मेरे हाइट से, मेरे हाइट पर तो ये आ ही रहा है हैंडल बार, तो अब उसको करता हूँ बैक तो हो ही नहीं पाती, पहली बार भारी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हद से ज़्यादा भारी बाइक है, तो इसलिए बस बैक करने की प्रॉब्लम है, बैठ के तो बहुत हार्ड हो। तो आपको क्या लगता है कि हिमालयन के लिए सही नहीं है? नहीं, हिमालयन के लिए सही है, बट हाइट थोड़ा और ज़्यादा होता तो और ज़्यादा कंफर्टेबल रहता। अच्छा, हाइट का थोड़ा सा मतलब इशू है? हाँ। चलो ये तो ठीक है, आपकी हाइट के हिसाब से पहले से थोड़ा चेंज है तो इसलिए लग रहा है, बट मे बी लाइक कुछ दिनों में हैबिचुअल हो जाएगा इस चीज़ का। तो गाइज़ यहाँ पे जो भी चीज़ आकाश ने बताई है आप उस चीज़ को ध्यान रखना, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि ये अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तो इसको एज एन फीडबैक आप कंसिडर करना, एक ओपिनियन नहीं लेना, मतलब एक लॉन्ग टर्म ओपिनियन नहीं है ये, सिंपली एक 2 दिन का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। सो विद दैट आप आकाश को फॉलो कर सकते हो यहाँ पे, इसका जो चैनल है अजनबी राइडर के नाम से, सो डू फॉलो हिम। एंड अगर आप इंट्रोज आउटरोज या कुछ ऐसे डिज़ाइनिंग वगैरह में काम चाहते हो तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो आकाश को। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग मोटिफाइड ब्लॉग्स, स्टे सेफ, राइड सेफ, एंड बाय। काफ़ी अच्छे डीएम्स, काफ़ी अच्छे लाइनअप ये हैं आकाश जी, बात करो क्या। हेलो।